बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी का ग्रह क्षेत्र होने से वो क्षेत्र जो है वो उसकी एक बपौती हो जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की 18 जून को सिरसा में रैली है। रैली का संयोजक सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल को बनाया गया है। उन्हीं से बात करते हैं कि रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं। जी देखिए, हम लोगों के लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि सिरसा की धरती पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का आगमन हो रहा है। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे किए हैं। उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने एक महीने का महाजनसंपर्क अभियान ये चलाया है, जिसमें सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेवारियाँ लगी हैं। उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो सिरसा लोकसभा के अंदर हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, उनकी जिम्मेवारी लगी है, लेकिन एक जनसभा भी होनी थी तो वो जनसभा अमित भाई शाह जी की हमें मिली है। और हमारा परम सौभाग्य है कि 18 जून को 4 बजे अनाज मंडी में सिरसा में हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे और वो 9 वर्ष के जो हमारे जन कल्याणकारी काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में पूरी जनता से रूबरू होंगे। मैडम, सिरसा जो है वो चौटाला का गृह क्षेत्र रहा है, तो यहाँ गृह मंत्री जी का आना, इसके क्या सियासी मायने? देखिए, ऐसा है कि वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी का गृह क्षेत्र होने से वो क्षेत्र जो है वो उसकी एक बपौती हो जाता है, क्योंकि गृह क्षेत्र तो हर किसी का कोई ना कोई है। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि अब वो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और जिस तरह से 2019 के अंदर भारी भरकम जो है वो मतों के साथ मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो आने वाले समय भी मुझे लगता है कि वो फिर से जनता जो है इसी तरह से अपना आशीर्वाद बरकरार रखेगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ाकर जो है। जी, मुझे पूरा यकीन है कि 50,000 से भी ज़्यादा की संख्या यहाँ पर जो है वो रैली में होने वाली है, क्योंकि जिस तरह का उत्साह जो है और पूरी लोकसभा की ये रैली है, तो ऐसे उसमें सिरसा ज़िले के साथ साथ सिरसा ज़िले की पांचों विधानसभाओं के अंदर तो एक ज़बरदस्त जो है वो उनके अंदर उत्साह का अभाव है ही। इसके साथ साथ फतेहबाद के जो लोग हैं, नरवाना के जो हमारे विधानसभा के जो भाई हैं, वो सब भी जो हैं यहाँ पर भारी संख्या के अंदर पहुँचने वाले हैं। मैडम, इस रैली को लेकर पंच सरपंच विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग जिन्होंने पिछली बार सीएम साहब का विरोध किया था, उन सबको एसडीएम साहब ने नोटिस दिए हैं, उसको लेकर आप क्या? देखिए, ऐसा है कि सभी जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे जिला परिषद के हों, ब्लॉक समिति के हों या सरपंच भाई हों, सब के सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारी संख्या में वो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो कुछ लोग दूसरी पार्टियों से जो हैं उनके उकसाए हुए या कि उनके द्वारा प्रेरित किए हुए जो इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इन बातों को सब समझती है और मुँह तोड़ जवाब जनता उनको देगी। आपका अगला जो है कार्यक्षेत्र, कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि अगला मैडम दुग्गल अगला चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगी, तो आपका क्या कहना है, अभी आपका कार्यक्षेत्र नहीं रहेगा? नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं क्यों दिन रात मेहनत कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इस जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है और मेरा लगाव जो है यहाँ से है, और जो है मैं, मेरा कार्यक्षेत्र है ये, मेरी कर्मस्थली है ये, और मैं अपनी कर्मस्थली से अपने कार्यक्षेत्र से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये थी सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, जिनका कहना है कि 18 जून को जो अमित शाह जी की रैली होनी है वो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।